स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है किन्हीं दो सदिशों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी का स्केयर क्या होगा। अपने जानते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा का। इसका होल स्केयर गिवन है तो होल स्केयर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगाएंगे, फिर ए स्केयर बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे। ए स्केयर बी स्केयर कॉस स्केयर थीटा होता है ए डॉट बी का होल स्केयर। तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है एम की पावर एन यदि 343 है तो एन की पावर एम क्या होगी। अपने को पता है एम की पावर एन इसमें रखना पड़ेगा, 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343 होती है, तो 3 की पावर 7 आ जाएगा 2187। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है किसी समबाहु त्रिभुज में ए बी सी में ए डी लंब है बी सी पर और ए डी स्केयर दिया हुआ है एक्स बी सी स्केयर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। अपने जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए डी इज इक्वल टू होता है √3/2 BC। इतनों का स्केयर करेंगे तो 3/4 BC², तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1/1 × 2, 2 × 3 ये दिया हुआ है, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 1/1 − 1/2 + 1/2 − 1/3। तो ये 1/2 से 1/2, 1/3 से ये कैंसिल होते जाएंगे। लास्ट में शुरू वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म बचेगा, तो 1 − 1/(n+1). तो एलसीएम लेंगे तो आंसर आएगा n/(n+1)। नेक्स्ट क्वेश्चन में दशमक में चर राशि के लिए कितने मान लिए जाते हैं, तो लिए जाते हैं 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वेक्टर दो रेखाएं दी हुई हैं, इनके बीच कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है b1.b2/b1 का परिमाण b2 का परिमाण। वैल्यू पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ विचलन का मान जिस सूत्र से निकालते हैं, वो फॉर्मूला होता है उत्तर चतुर्थक - निमंतर चतुर्थक / उत्तर + निमंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 75 का मान क्या होगा। तो अपने साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे और इसको भी कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे और ये भी 1 हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 2। अब ए बी सी डी हरात्मक श्रेणी में सत्यकथन क्या है। ए और सी का हरात्मक मान होता है बी और गुणात्मक मान होता है √AC। बी और डी का हरात्मक मान होता है सी और गुणात्मक मान होता है √BD। अब अपने को पता है गुणात्मक मान हरात्मक से बड़ा होता है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, रूट इधर चला जाएगा, दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू।